हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। भगवान से प्रे करती हूँ कि सब लोग खुश रहे, जहाँ जो जहाँ रहे खुश रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। तो आज मैंने मॉर्निंग से थोड़ा बहुत करके काम इधर उधर करके हुआ, मतलब सारा हो गया है लगभग। तो अभी बनाना है मुझे खाना और पूजा वूजा सब कुछ हो गए हैं। तो अभी चाय भी बनाऊंगी, चाय भी पीऊंगी और खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि आज मुझे जाना है दुकान। तो मुझे फटाफट सारा काम करना है। ऑलरेडी मैंने चावल बैठा दिया है, तो फटाफट करना है और बड़ों का प्रणाम देके पैर छू के मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और छोटे को, छोटे बच्चे हो, जो छोटे मुझसे छोटे हो, उनको सबको ढेर सारा प्यार दे के मेरा ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए देरी ना करते ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो मैंने पनीर काट लिया है, आलू काट लिया है और मटर को भिगा दिया मैंने। टमाटर, अदरक और मिर्च, हरी मिर्च पीस लिए। और ये मैंने आटा गूंद के रख दी थी नहाने से, मतलब पहले ही। और यहाँ पे मैंने साग भी काट लिया। तो मैं आज मटर, आलू और पनीर मिला के सब्जी बनाऊंगी। तो आज इतनी बिजी हूँ, पता नहीं क्या हो, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है। आज जितनी जल्दी कर रही हूँ उतनी लेट हो जा रही हूँ। तो पहले ये बना लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी रोटी, क्योंकि बेटी नहा ली है तो फटाफट उसको भी दे दूँगी। तो जब बना लेती हूँ पहले। और ये बन गए पनीर की सब्जी। तो मैंने आज इसमें प्याज तो डाला नहीं, आज थोड़ा सा अलग तरीके से बना है, तो देखने में अच्छा लग रहा है और बेटी ने बोला खा के भी अच्छा लग रहा है। तो देख आप भी बताना कैसे लग रहे हैं। और आज गाइस इतनी गर्मी है ना, मैंने मतलब गर्मी की, इतनी गर्मी कल से है कि बहुत ज़्यादा, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ से मैं कब भगूँ ऐसे हो रहा है। और इतनी गर्मी हो रही कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। तो मैंने ये सब्जी तो बना दिया और साग बैठा दिया मैंने। तो ये सब्जी में मैंने लास्ट में थोड़ा सा दूध डाल दिया, ठंडा दूध डाल दिया इसमें। मतलब आप गर्म भी डाल सकते हो, ठंडा से क्या होता है जो थोड़ा अलग सा एक टेस्ट आता है, कभी आप डाल के ट्राई करना। तो दूध डाल सकते हो, मलाई डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, बट मैंने आज घी। ये मेरा किचन सारा क्लीन हो गया है, बर्तन धो दिया है, सारा मैंने रख दिया। और मैं खुद भी थोड़ा सा हो गई हूँ तैयार। तो अब मैं जा रही हूँ दुकान पे। तो किचन का काम हो गया है, कपड़े वपड़े सारा कर दिया है। टाइम हो रहा है एकदम 10, ना 10 से नीचे ना 10 से ऊपर। तो क्योंकि टाइम ऐसी है, तो अब मैं, वैसे तो मेरा दुकान खुल चुके हैं, हस्बैंड को मैंने पहले थोड़ा भेज दिया है। तो अब मैं जाऊंगी तो हस्बैंड भी चले जाएंगे अभी। और कपड़े वपड़े तो धो दिया, बेटा नहाया तो उसका कपड़े पड़े हैं,
बस, और बेटी का वर्ट का मेरा सबका धो दिए मैंने, तो फिर मिलूंगी मैं, देखते हो कब मिल पाती हूँ शाम। अगर अभी नहीं, अभी तो जा रही हूँ, पता नहीं कब तक लौट पाऊंगी, क्योंकि इतना दिन दुकान बंद था, समझ सकते हो आप क्या हालत होगा दुकान का। तो चलिए देखते हैं, शाम को 6-7 बजे तक हो जाए, जब भी फ्री हो जाऊंगी आके शॉप से तभी मिलूंगी। तो चलिए अभी जा रही हूँ, बाय। बहुत दिन बाद जा रही हूँ ना, तो इसलिए बाय बोल रही हूँ।